नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के विकास को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के साथ ही आज इसी इस पॉइंट को अपन खत्म करेंगे, तो इसका मतलब अपना भौतिक भूगोल का 1% पूरा होता है, जो पहले नंबर पर अधिकांशतः पूछा जाता है। और वो प्रश्न बन जाता है भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और भौतिक भूगोल के विकास पर लिखिए, ये आपके लिए सीधा प्रश्न बनता है। और इसी प्रश्न को लेकर, क्योंकि इसी से आपको ये भी पता चलता है कि भौतिक भूगोल में आप क्या पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के टॉपिक रहेंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु कहिए और इससे 1% आपको जरूर मिलता है। हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा की बात की थी, इसके बाद में हमने उसके विषय क्षेत्र पे चर्चा की, और अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे यानी कि भौतिक भूगोल के विकास को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ बात आती है कि भाई एक भूगोल का विकास और एक भौतिक भूगोल का विकास, चूंकि आपको ये पता है कि भूगोल, भौतिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है, मुख्य शाखा है, ये आपको पता है। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि भाई भूगोल का विकास कब हुआ, जैसे ही प्रकृति बनी भूगोल का विकास हो गया था, लेकिन मानव ने कब इसको जाना, वहां से ही इसका विकास माना जाता है। अब ये बात कर लेते हैं कि भाई भौतिक भूगोल का विकास, हालांकि भौतिक भूगोल का विकास प्राचीन काल में ही हुआ, लेकिन उस समय इन चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल था कि किस प्रकार ये घटनाएं घट रही हैं। उस समय लोग इनको यानी भूगोलवेत्ता नहीं होकर के उस समय दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, उसी रूप में इनको देखा करते थे। तो यहां अगर हम भौतिक भूगोल के विकास की अगर हम बात करते हैं, तो एक क्रमबद्ध रूप में इस विकास को बताया गया, समझाया गया है विद्वानों के द्वारा, और इसको कई चरण में इसमें बनाए गए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, आधुनिक, अमेरिकन, यूरोपियन, इस प्रकार से इसका विकास भौतिक भूगोल का किस प्रकार से हुआ है, तो यहां से लेकर और वहां तक का ये क्रम चलता है। बस उसी क्रम में आपको इसको समझना है। क्योंकि आप भौतिक भूगोल के बारे में ये जानते हैं कि भौतिक भूगोल है क्या, जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, एक सीधी सी बात है, यही भौतिक भूगोल है। अब इसमें भौतिक भूगोल के विकास में इसी प्रकृति में जो समझने की बातें होंगी, तो जब से इनको समझा जाने लगा तब से इसमें विकास प्रारंभ हो गया, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आप कह सकते हैं। तो जैसे भी हम किन्हीं बातों की यहां इस प्रकृति में चर्चा करते हैं, तो प्राचीन काल से लेकर इसको प्रारंभ किया जाता है, उसके बाद में सारी गणनाएं होने लग गई, उनके बाद में धीरे धीरे जो इतिहासकार थे, फिर भूगोलवेत्ता, फिर इन पे विशेष इनकी जानकारियां जुटती चली गई, और उसमें धीरे धीरे विकास होता चला गया, और वो सारी चीजें इस भूगोल में रखी जाने लगी। तो इस प्रकार से आपको क्रमबद्ध रूप में जब ये क्वेश्चन उठता है भौतिक भूगोल के विकास के बारे में आपको लिखना है, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न बताया है, उस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल बनता है। तो आप ध्यान रखिए, आराम से ये जो वीडियो हैं, ये क्लासेज हैं, इनको आप सुनिए। आप जहां भी बैठे हैं आप सुन सकते हैं, सुनेंगे तो अपने आप ही, आप जब भी इन चीजों को पढ़ेंगे तो अपने आप वो चीजें रिपीट होती चली जाएंगी, इसलिए आपको इनको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं यहाँ आपको उस जो एक पूरा लेवल होता है जो उसका क्लास का, वो कोशिश करूँगा एक शॉर्ट रूप में आपको पूरा का पूरा देने की, क्योंकि अगर मैं उस हिसाब से मैं पढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है। तो इसको एक शॉर्ट रूप में और एक पूरा का पूरा आप लोगों को मैटर आप स्क्रीन शॉट लेकर के इसका रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आप इनको जैसे जैसे सुनोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें आने लग जाएंगी और फिर जैसे आप पढ़ोगे तो याद हो सकती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मुख्य रूप से कि आज का जो अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का विकास, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो है नहीं कि भौतिक भूगोल का जो विकास है वो अकस्मात हो गया, एक दिन में हो गया, ये तो है नहीं। तो इसके विकास में काफी समय लगा और उसी समय को यहां चरणबद्ध रूप में इनको लिखा गया है। जैसे कि भौतिक भूगोल के विकास के चरण निम्न है, भौतिक भूगोल के विकास के चरण निम्न है। तो यहां हम पहले चरण की बात करते हैं जिसको नाम दिया गया है प्रथम चरण। अब प्रथम चरण को ही नाम दिया गया है प्रारंभिक युग, जहां से प्रारंभ माना गया, समझा गया, इसको कहा भौतिक भूगोल के विकास में प्रारंभिक या प्रथम चरण, प्रारंभिक युग के नाम से इसे रखा गया। अब प्रारंभिक युग जहां से ये चीजें प्रारंभ होती हैं या भौतिक भूगोल से संबंधित जो बातें विचार प्रारंभ होते हैं उनको जानने लगने का जो प्रयास था वो प्रारंभ हो गया। जैसे कि इस प्रारंभिक युग में कहा कि प्राचीन काल में भू दृश्यावलियों के लिए, यानी कि प्रारंभिक या प्राचीन काल में ये जो भू दृश्य हमें नजर आते थे उनके लिए विचारों का प्रतिपादन होने लग गया, यानी कि ऊंचे नीचे पहाड़ जितने भी भू आकृतियां हमें नजर आती थी उनके बारे में विचार बनने लग गए थे कि ये कैसे बनी है, किस प्रकार से बनी है, कब बनी है। तो थोड़ा थोड़ा इस पर विचार होने लग गया था जो आपको भू दृश्यावली नजर आती है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ ये प्रारंभिक युग है, इसको प्राचीन काल के नाम देकर के ये बात यहाँ कही गई है कि उस समय जो भू दृश्यावली जो बनी थी पृथ्वी के ऊपर उनके लिए विचारों का प्रतिपादन होने लग गया था, उस पर विचार होने लग गया था कि ये क्या है, ये क्या है, उनको नाम देना, उनकी क्रियाओं के बारे में जानना, ये प्रारंभ हो गया था, तभी से इसका विकास माना जाता है। इसके बाद में एक और लिखा कि इस समय के लेखक, यानी कि इस समय में यानी प्राचीन काल में जो लेखक थे, जो लिखते थे, वो क्या थे, इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे, न कि भूगोलवेत्ता। क्या थे उस समय के? इतिहासकार थे, न कि भूगोलवेत्ता। और उस समय के जो लोग ज्यादा संख्या में थे, जो जागरूक थे, वो थे मिस्र, रोम और यूनान के लोग थे जो इनके बारे में ज्यादा लिखते थे। तो ये तो एक भौतिक भूगोल का प्रथम चरण की हम बात कर रहे थे कि प्रथम चरण जो प्रारंभिक युग के नाम से इसको जाना गया या प्राचीन काल इसको कहा गया, और प्राचीन काल में जो भू दृश्यावली बनी उन पर विचारों का प्रतिपादन होने लग गया था। और उस समय के जो लोग थे इसमें मुख्य रूप से मिस्र और रोम और यूनान के लोगों को इसमें रखा गया, गिना गया कि उन्होंने इनके बारे में बातें लिखी थी। किनके बारे में? भू दृश्यावलियों के बारे में या भूगोल के बारे में या भौतिक भूगोल के बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में। तो वो जो लिखते थे वो मुख्य रूप से कोई भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन जो उनको दिखाई देता था वो ये चीजें या वो बातें लिखते थे इस प्रकृति की, तो वो इतिहासकार थे। ठीक है, अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। द्वितीय चरण जिसको अंधयुग कहा, द्वितीय चरण जिसको अंधयुग कहा, भाई अंधयुग तो किसी भी ज्ञान विज्ञान में होता आया है। जब भी किसी विषय में ज्ञान का, उस विषय से संबंधित ज्ञान का विकास नहीं हुआ तो वही समय अंधयुग कहलाता है। तो यहां हम मुख्य रूप से बात कर रहे थे द्वितीय चरण या अंधयुग की। ये जो समय बताया गया है इस भूगोल में प्रथम शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का रहा है, क्रमबद्ध रूप में, क्योंकि यहां इस भूगोल में कोई भी विकास नहीं हुआ, इस पर कोई भी बातें नहीं की गई, इससे संबंधित कोई भी तथ्य उजागर नहीं हुए थे, इसलिए इसको अंधयुग कहा। और इस समय क्या हुआ था? रोम साम्राज्य का पतन हुआ था। इसी समय रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो राजनीति में काफी उथल पुथल हुई। जैसे ही राजनीति में काफी उथल पुथल हुई तो उस समय क्या है कि इस समय के जो इतिहासकार, जो दार्शनिक थे, उनको बढ़ावा मिला।
राजनीतिक उथल पुथलता के कारण से और रोम साम्राज्य का पतन हुआ था इस समय। तो इस समय क्या हुआ कि अरब के जो लोग थे उन्होंने इस भौतिक भूगोल में योगदान अपना दिया, और वो योगदान उस समय के लिए अगर जब लेखकों के द्वारा विद्वानों के द्वारा जो बातें सामने आती हैं इस अंध युग के दौरान की घटनाएं हैं, और ये है प्रथम शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य की बात है जब रोम साम्राज्य का पतन हो रहा था, राजनीति उथल पुथल हो रही थी। इस इतने समय तक तो इस भूगोल में कोई ज्ञान का विकास नहीं हुआ, लेकिन इसी समय के हम दौरान या बाद में हम बात करें, जब उथल पुथल होने के दौरान की बात करें, तो इस समय वहां के जो विद्वान थे या इतिहासकार थे, जो दार्शनिक थे, उनको बढ़ावा मिला, और उसी के साथ साथ में अरब के लोगों ने इस भौतिक भूगोल में अपना योगदान दिया। और किस रूप में इनके लिए कि स्पष्टता लिखी हुई है कि इस ये जो लोग थे अरब के जो लोग थे इन्होंने पर्वतों के बारे में बताया कि उत्क्षेपण उत्क्षेप यानी भूमि उत्क्षेप और अपरदन के कारण पर्वत कैसे बनते हैं उनके बारे में अरब लोगों ने लिखा था। तो ये भौतिक भूगोल के विकास में दूसरा चरण हुआ। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं यानी तृतीय चरण। इस तृतीय चरण को भौतिक भूगोल के विकास में प्रलयवाद कहा गया। अब प्रलयवाद क्या है कि ये इस समय के जो लोग थे वो ये समझते थे कि पृथ्वी की आयु कुछ 100 वर्ष है और इन कुछ 100 वर्षों में सारी घटनाएं घटित हुई हैं, और प्रलयवाद में विश्वास इनका कैसे बढ़ा, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी इनसे प्रलय आता है, तो इन सारी घटनाओं को देख करके ही प्रलयवाद पर विश्वास हो गया। इसमें यह भी रहा कि जो इस समय के जो विद्वान थे, जो भूगोलवेत्ता थे, वो उन चीजों को ही जानने की कोशिश करते थे या उन चीजों को ही इन चीजों को बताने में विश्वास करते थे जो इनके जीवन काल में घटित हुई हैं। तो ये अकस्मात किसी चीज को समझते थे कि अकस्मात सारी चीजें बनी हैं, बस इसी को प्रलयवाद कहा गया। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तृतीय चरण प्रलयवाद में विश्वास, भौतिक भूगोल के विकास का चरण है, ये तृतीय चरण है जिसको प्रलयवाद कहा गया, या प्रलयवाद में विश्वास की बात इसमें कही गई कि 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का यह समय था जिस समय इस पर विचार होता था, किस पर, प्रलयवाद पर। इस समय के जो विद्वान प्रलयवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे, किस समय के, 15वीं से 17वीं शताब्दी, इस समय के जो विद्वान थे वो प्रलयवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को प्रलयवाद के बारे में बताया। पृथ्वी की आयु कुछ 100 वर्ष आंकी गई, यानी कि इस समय के विद्वानों ने पृथ्वी की आयु कुछ 100 वर्ष ही आंकी गई कि बहुत जल्दी सारे काम सारी घटनाएं घटित हुई है, यानी 100 वर्ष सैकड़ों सैकड़ा ये कुछ 100 वर्ष ही इसकी आयु, ये इन्होंने आकलन किया था प्रलयवाद में जो विश्वास रखते थे जो विद्वान। जो भी दर्शावली बनी है वह कुछ ही समय में आकस्मिक रूप से बनी है, यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि जो भी कुछ दर्शावली यानी भूत दर्शावली यहां बनी है वो कुछ ही समय में आकस्मिक रूप से बनी है, ऐसा इन्होंने कहा। जैसे ज्वालामुखी भूकंप देखकर प्रलयवाद में इनका विश्वास और बढ़ गया, तो ये इस प्रकार की जो आकस्मिक घटनाएं थी और आकस्मिक घटनाओं को लेकर के ये प्रलयवाद में विश्वास बढ़ा था, और ये भौतिक भूगोल के विकास का तीसरा चरण इसको बताया जाता है। अब हम नेक्स्ट चरण की अगर बात करते हैं तो चतुर्थ चरण है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है जिसको एकरूपतावाद में विश्वास बिंदु लेकर किसको कहा गया है, यानी कि भौतिक भूगोल के विकास में अगर चतुर्थ चरण की हम बात करते हैं जिसको एक रूपतावाद आप कह सकते हैं, इसमें यानी कि यह हुआ था कि 18वीं शताब्दी के बाद में जो प्रलयवाद में जो विश्वास रखा गया उस विचारधारा को यहां नेग्लेक्ट किया गया, उसको छोड़ा गया, और उसके बाद में वैज्ञानिक तर्क इसमें शामिल हुए, और वैज्ञानिक की क्रियाओं के बारे में यहां बताया जाने लगा,
वैज्ञानिक प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, अपरदन की प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाने लगा, सागरीय अपरदन है, स्थलीय अपरदन है, कैसे अपरदन होता है उनके बारे में बात की जाने लगी, चक्रीय जो प्रक्रिया है उस पर यहां बात की जाने लगी। तो ये सब सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये इस चतुर्थ चरण में शामिल हो गई। अब यहां बात आती है एकरूपतावाद में विश्वास। अब एकरूपतावाद में विश्वास की जो प्रगाढ़ता है वो बनी कि जो प्रलयवाद की जो विचारधारा थे कि जिसमें ये कह दिया गया कि कुछ 100 वर्षों में ही ये सारी घटनाएं घटी हैं और इस भूतरस सावलियों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ ये नहीं माना गया। यहाँ ये माना गया कि जिनका भी निर्माण हुआ है, जो भी भूतरस सावलियों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, उसमें ये माना जाने लगा कि स्थलाकृतियों के रूप में जो अंतर, स्थलाकृतियों के जो रूप में जो अंतर आता है, उस अंतर आने में कुछ 100 वर्ष नहीं लगे हैं, कुछ 100 वर्ष नहीं लगे हैं, उसकी उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं उस स्थलाकृति के रूप में अंतर आने के लिए, लाखों वर्ष लग जाते हैं। बस यहीं से एकरूपतावाद को बल मिला और फिर आगे जो बात आने लगी वो समझने लग गए कि जो पहले था जो आज देख रहे हो, तो आज को समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी संदर्भ में जेम्स जो हटन स्कॉटलैंड के थे, जेम्स हटन, और ये बात नेट की जो एग्जाम होती है उसमें पूछा भी जाता है कि वर्तमान को भूत की कुंजी कहा, किसने कहा, ये पूछा जाता है। तो ये कहा था जेम्स हटन ने, और वो एकरूपतावाद किसने दिया, जेम्स हटन ने। तो यहां आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहां लिखा कि वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल से उदाहरण लिए जाते हैं, ये लिखा कि वर्तमान को समझने के लिए पीछे जाना पड़ता है, भूतकाल में जाना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए जेम्स हटन ने लिखा वर्तमान को भूत की कुंजी कहा, किसने कहा, जेम्स हटन। तो ये एकरूपतावाद को लेकर के बात होती है। तो ये चतुर्थ चरण था भौतिक भूगोल के विकास में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंचम चरण। पंचम चरण इसको आधुनिक युग भी कहा गया। अब भूगोल में आधुनिक युग की जब बात करोगे तो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है, 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। क्या होता है, आधुनिक युग की शुरुआत होती है किस में होती है, भूगोल में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना जिसको आधुनिक युग कहा गया। इस समय यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के विद्वानों का विशेष योगदान भौतिक भूगोल में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट बिंदु है, लास्ट बात है इसकी पंचम चरण की, और पंचम चरण को आधुनिक युग कहा गया। 19वीं शताब्दी के बाद में प्रारंभ होता है और इस समय यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विद्वानों का भौतिक भूगोल में विशेष योगदान रहा है। ये बातें आप लिख करके अपने प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो इस क्लास के साथ में आपका जो एक जो पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा, इस वीडियो तक आपने जो भी वीडियो देखी है उससे आपका एक प्रश्न पूरा हल हो जाता है। और हम इन प्रश्नों की बात करते हैं, जो नंबरिंग रहती है वो 15 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से आप अगर ये तीनों वीडियो लगातार देख लेते हो, उसको समझ लेते हो, सुन लेते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख भी सकते हो, तो आपके लिए ये प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपका जो शेखावटी विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पर्सन पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और इसके अलावा भी कोई समस्या जो यूरोपी से संबंधित अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट लिख करके बता सकते हैं। आगे आगे हम चलेंगे तो हम प्रैक्टिकल पर भी बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।